कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायकों द्वारा बीजेपी का दामन थामने के बाद युवा कांग्रेस ने इसे जनता के जनादेश के साथ मजाक बताते हुए हमला बोला है। युवा कांग्रेस ने सीटीओ चौक पर बागी 6 विधायकों और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस का कहना है कि भाजपा देश में खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। जो आज का प्रदर्शन है, आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा जो एक घिनौना जो खेल खेला गया, किस तरीके से आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के जो 6 विधायक थे उनको यहां से ले जाया गया, कभी उनको हरियाणा रखा गया, कभी उनको उत्तराखंड रखा गया और कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया गया और फाइनली उनको खरीदा गया। और आज आप सभी जानते हैं जो हमारे जो कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, जो कांग्रेस पार्टी के निशान पर चुनाव जीत कर विधानसभा में पहुंचे थे, उन्होंने आज फाइनली दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जिसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस NSUI कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। मैं साफ तौर पे उन विधायकों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने आपको चुनकर भेजा, आप सभी जानते हैं कि चुनावों के समय किस प्रकार से हमारा कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है आपस में लड़ता है, लड़के मरता है, और आप इस तरीके से उनकी जो भावनाओं को जो आपने ठेस पहुंचाया है, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं एक ये आप कह सकते हैं कि जनादेश के साथ बद्दा मजाक है। जनता ने आपको चुनकर भेजा था, आपको कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे आपको विधायक बनाया था, पर आज आपने फाइनली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर उन लाखों जो आपके मतदाता थे जिन्होंने आपको चुनकर विधानसभा में भेजा, उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। इसका जवाब आने वाले जो बाई इलेक्शन होंगे, चाहे लोकसभा के चुनाव होंगे, मुझे पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो समझदार है और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लोगों को पूरे के पूरे देश भर में एक ईमानदारी के नाम पे पहचाना जाता है। आज अगर हम दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, पूरे देश में कहीं भी जाते हैं, हर आदमी ये सवाल करता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ। हिमाचल प्रदेश में आप खुद बताइए कि भाई किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों की ऐसी सोच नहीं थी। मैं साफ तौर पर मैं उन 6 विधायकों को कहना चाहता हूं कि आपने बहुत गलत किया, इसका आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं इसका सामना आपको करना पड़ेगा। और युवा कांग्रेस के द्वारा आज फिर से ये विरोध प्रदर्शन और युवा कांग्रेस NSUI के द्वारा रखा गया है और आगे भी इसी तरीके से मैं साफ तौर पर केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप लड़के रहिए, इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। किस प्रकार से आप देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आप चुप्पी साध के बैठे हो, किस प्रकार से आपने कांग्रेस पार्टी के खाताओं पे, किस प्रकार से NSUI के खाते को आपने फ्रीज किया, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आप हत्या करने की कोशिश करो, जो बिल्कुल गलत है, जिसका आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता चुनावों में जवाब देगी। देखिए कोड़ों पर आचार संहिता यहाँ पर लगी है, हमें विरोध करने का अधिकार है, पर आचार संहिता के चलते हम पुतला नहीं फूंक सकते। हम नियमों में रहकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक हमारा सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन है और इसीलिए हमने आज यहाँ पर एकत्रित होकर जो भी आज 6 विधायक ज्वाइन हुए हैं उनके खिलाफ हमने यह विरोध प्रदर्शन किया है। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग TV।